हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा माहेश्वरी, आपकी दोस्त और होस्ट। और आज मैं आपको ले आई हूं मेवाड़ के उन जंगलों में जहां महाराणा प्रताप के सैनिक रहते हैं। इनका नाम जो है वो गाड़िया लुहार है। पहले ये लोग रहा करते थे गाड़ियों में और एक प्लेस से दूसरी तरफ सिर्फ मूवी करते रहते थे। हालांकि अब ये लोग स्टेबल हो गए। ये पीछे जो घर है ये इन्हीं में से किसी का है। हालांकि अभी जाएंगे, बात बात भी करेंगे, बट इनकी इम्पोर्टेंस ये रही है कि जब महाराणा प्रताप के सैनिक का जो भी भाला और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स युद्ध में काम आते थे लड़ने के लिए, वो सब यही बनाते थे। और आज भी राजस्थान में ऑलमोस्ट सारी जितनी भी लोहे की चीज़ें बनती है वो इन्हीं के यहाँ से बनती है और फिर दूर दूर जगह पे जाती है, सप्लाई होती है। तो चलते हैं, देखते हैं आज ये कैसा जीवन बिता रहे हैं, कैसे इनकी लाइफ चल रही है, क्या लाइफ स्टाइल है, क्या इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी पीछे का नज़ारा अगर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा चारों तरफ पहाड़ है, ग्रीनरी है और काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है। तो आप बताओ मुझे कि पहले के टाइम में और अभी के टाइम में, मतलब आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें क्या डिफरेंस आ गया? जैसे पहले तो सब लोग गाड़ियों पे घूमते थे, अब घर बना के रहने लग गए। और अभी भी आप वही चीजें बनाते हो? हाँ, चीजें तो वही बना, कुल्हाड़ी कोदाली। तो अब कौन खरीदता है, मतलब कुल्हाड़ी वगैरह? ये आदिवासी लोग, कास्कार, कोदाली। अच्छा, और क्या क्या बनाते हो? और तो कुल्हाड़ा बनाता हूँ, कलाई कोदाली बनाता हूँ, दाथड़ा बनाता हूँ। अच्छा, तो अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी भी ऐसे ही, मतलब गाड़ी पे ही घूमते रहते हैं, या सब लोग रहने लग गए? लोग सब रहने लग गया, अब सब रहने लग गए। पहले तो गांव गांव घूमता। तो अभी बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? अच्छा, तो मतलब पढ़ाई ज्यादा करवाने में आप ध्यान देते हो या काम सिखाने में ज्यादा ध्यान देते हो? पढ़ाई में ध्यान देता हूं। अभी अभी देखो समय अनुसार अभी पढ़ाई करानी पड़ती है, पढ़ने जाते हैं बच्चे अभी। तभी यहाँ आसपास में स्कूल है कोई? स्कूल है नहीं यहाँ। अच्छा, ये स्कूल है या बारहवीं तक है? अच्छा, बारहवीं। उसके बाद कॉलेज? कॉलेज भी है यहाँ पलासिया में है। अच्छा, कॉलेज जाते हैं अभी, पढ़ रहे हैं अभी, दसवीं बारहवीं बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अभी आपका मेन इनकम सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से? इनकम तो वो कुदाली वही बनाता, करारा कुदाली। 4,000-5,000 रुपए का काम हो जाता है, घर खर्चा चल जाता है, अनवा बच्चे बच्चे का सब का पूरा हो जाता है, क्या करे, उसमें भी रहम करके बैठे हैं। खेती बाड़ी तो कुछ है नहीं हमारे। हाँ, खेती बाड़ी नहीं है। तो आपको ऐसे सरकार ने कुछ अलॉट नहीं किया है? अभी कोई अलॉट नहीं किया है सरकार ने हमारे को। तो आपने ऐसा कुछ बोला है उनको कि कुछ हमको खेत दो? या अभी उसकी कोई सुनवाई भी नहीं, जगह देंगे, पट्टे देंगे, अभी तक कोई सुनवाई तो करी नहीं है। अभी कहाँ करिए, अभी इस बार आपने वोट दिया, मकान मान के देंगे, अभी कहाँ दिया, किस जगह दिया, कहीं दिए तो है नहीं। अभी अभी तक नहीं दिए, कहाँ दिए, नहीं दिए अभी तक। अभी तो रोड, अधिकतर तो रोडों पे घूम रहे हैं, अधिकतर रोडों पे आपने देखा होगा, कहीं भी रोड पे तो बैठे, फुटपाथ पे तो है, अभी गाड़ी लवार है कहाँ? आपका हिस्ट्री में इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आपको लिखना चाहिए कि हमें, मतलब आपको देनी चाहिए जमीन और सारी चीजें, क्योंकि अब वो टाइम तो रहा नहीं कि सब गाड़ी पे रह सकते। अभी घूमने का टाइम भी नहीं है, है? अभी कहाँ रहे, अभी तो जगह भी इतनी नहीं है जो कहीं डेरे लेके रह सके। लोग बाग एक दिन दो दिन रहने दे, रहने भी नहीं देते अभी तो। पहले समय तो महीना महीना दो दो महीना कहीं भी रह जाते, अभी कहाँ रहने देते। अभी तो दो दिन पांच दिन भी नहीं रहने देते है। हाँ, गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है, हम कहाँ? सही बात है, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, हम कहाँ खड़े रहते। हमारे तो रहने की, हमारा तो देखो बच्चे बच्ची अब बाहर रहते तो रहना पड़ता है सुविधा से, सब महिला बिजी सब होती है। अब वो सिस्टम नहीं होता अभी, क्योंकि बाहर रहना, अभी देखो आतंक वातंक, अभी कोई जमाना वो नहीं रहा पहले वाला, अभी जमाना खराब है, अभी लेडीज के साथ कहाँ रहेंगे अब। सही बात है। तो ये जो आपका घर है इसका पट्टा वगैरह सब है? पट्टा नहीं है इनका। अच्छा, अभी लिया, वो भी खरीद के लिया मगर पट्टा नहीं है अभी तक। खरीद के लिया था मगर पट्टा अभी तक नहीं है। अब खाना अभी भी चूल्हे पे बनाते हो? खाना चूल्हे पे। अच्छा, वो भी है। तो ये देखो खाना इस तरह से, ये लकड़ी कहाँ से लाते हो? मंगरे में है? मंगरे में। अच्छा, जंगल से? जंगल से काट के लाते हो? हाँ, काट के। इसमें क्या पानी गर्म हो रहा है? पानी गर्म हो रहा है। तो नहाने का पानी भी इसी पे गर्म होता है? हाँ, इसी पे। और ये धान वान कहाँ से लाते हो? दुकान से। दुकान से लाते हो, खेत तो है नहीं? खेत तो नहीं। तो आपको राशन का नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। राशन का भी नहीं मिलता है? राशन कार्ड तो है।
राशन कार्ड है? है लेकिन मिलता नहीं है। अच्छा नहीं मिले, मोरे से मिले है। हमारे को नहीं मिलता। अच्छा राशन भी नहीं मिलता है। क्यों? लेकिन बंद हो गया कूपन। कूपन बंद हो गया है। इससे ही लगा हुआ है ना। और ये पूरा लकड़ी का पानी नहीं आता बारिश के दिनों में? आता है, आता है ना। और ये आंगन भी पूरा मिट्टी का है, मिट्टी का। तो इसको लेपते हो वापस? लेपते हाँ। बारिश है, सब खराब हो गया। हाँ कल बारिश आई तब। तो कितनी बार लेपना पड़ता है मतलब साल में? ये टूट जाता है, महीने में दो बार, दो तीन बार लिप जाता है। महीने में दो तीन बार टूट जाता है, मिट्टी है। ये लोहार नहीं था, राजपूत था। तो ये पहला अकबर बादशाह ने लड़ाई होती नहीं, जब ये 70 घड़ावा लागता लोहार लोकन रहा, तलवारा बनावता, कोई कहीं बनावता, कोई बाप वो बनावता, ढला बनावता, वो लड़ाई के वास्ते बनावता। पसे बाद में बने क्यों ये लेन उठी गया, पसे महाराणा प्रताप क्यों का फिर निकल जाओ बाहर ने। उस टाइम में आने गाड़िया लोहार सब हाथे निकल गया, अरे ले लेन घूमते ही महाराणा प्रताप के साथ ही निकल गए, साथ ही निकल गया। पसे वे गाड़ी लेने घूमते ही रहा, पसे वोटा खराब दी दो भूखे नहीं मरो, लखपति नहीं थो कटे भी दो था भूखे नहीं मरो गाई। तो फिर उस टाइम पे घास की रोटियां खाते थे। पहले अकबर बादशाह आपने क्यों डोड़ो लेता? डोड़ो समझा खबर पड़ेगा नहीं पड़ती? क्या लेते थे? अकबर बादशाह लड़ाई थी, लड़ाई मुगलों से लड़ाई की थी। तो पहला वोटा सिटोर रहता, यदि वो फौज फोटो आती तो मैंने कुंड मुंह भम्बर निकल वाला माथे पड़ता फौजा माथे नहीं जाता फसा क्योंकि वे वाला ऊपर पड़ता नहीं जाता वापस। उसे बाद में बड़ा कई की जो अकबर बादशाह गांव मारी पड़ी ने बड़ा कुंड में नौकरी दी थी वो वो बन गई। उसे एक बार उसे महाराणा प्रताप ने क्यों अभी तो निकल गया पता वो तो सब ये गाड़ियों ले लवार हाथे लारे लारे गाड़ी लेके हल्दी घाटी सब इतिहास है हमारा, हल्दी घाटी। हाँ कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे इस घर में? 10-12 साल हो गया। 10-12 साल ज्यादा हो गए पर घर बोले 10-12 साल अटे घूमता घूमता आया हो मैं आवतन पासा पर जाता गोकुंडे घूमे घुमावी दो दिन बटे घूमते ही रहता। जेटा गड़ी मशीन आ निकल गई, अबे मशीन तो लेने का लोहारन सामान पासा बुलाओ, एक बे ट्रक तो ये साफा बंदाया थाटे बसो मोठन जगह जमीन दो पण नटी गया नहीं पर अभी नहीं जो हकन खाना में मारा खाना में नहीं खाना हमें घूमता ही रहना है। किसके काम आता है? अच्छा ये खाट बनाने के काम आता है। सुनता है सुने देखे सुने आप भी काम करो मुझे। अच्छा आपको इंटरनेट में क्या क्या पता है, मतलब यूट्यूब पे कैसी वीडियोस देखते हो आप? यूट्यूब देख चलाते हो? हाँ। कैसी वीडियोस देखते हो? सीरियल कौन सा? अनुपमा? अनुपमा देखते हो? उर्मी वाला डोली अरमान होगी। किस पे आता है? यूट्यूब पे देखते हो? यूट्यूब में जाता है, टीवी पे आता है दिखने के लिए। अच्छा टीवी भी है? अच्छा क्या है? अच्छा बकरे। अच्छा बकरे का दूध अच्छा होता है या गाय का दूध अच्छा होता है? भैंस का दूध अच्छा होता है। भैंस का सिर्फ मोटे होते हैं ना? बकरे का दूध ही अच्छा होता है छोटे बच्चों के लिए। बकरी का? अच्छा और बड़े के लिए गाय का? अच्छा और भैंस का किसके लिए अच्छा होता है? मोटे जने को पीने के लिए, मोटा होने के लिए। मोटा होने के लिए ना। काका रोटी कोई खाओ।
आप रोटी पे घी नहीं लगाते हो, ऐसे ही खाते हो? घी हाँ। घी आज भी खत्म हुआ है। अच्छा अच्छा आप लोग नॉन वेज भी खाते हो? हाँ? जैसे वेज खाते हो? बकरे की, बकरे का खाते हो? बकरे की मस्त लगेगी। अच्छा हम खाते नहीं है, वो खाते नहीं। अच्छा वो आप लोग नहीं खाते हो? हम नहीं खाते, ये खाते हैं इसलिए मोटे हो गए ना। हाँ नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। नहीं तो आप भी, आप क्या काम करते हो? हाँ मैं ये लोहारी काम करता हूँ। और फिर कहाँ बेचने जाते हो? गांव जाते हैं ये बना के। ये किस पे, बाइक पे या बैलगाड़ी पे जाते हैं? बाइक पे जाते, बाइक पे जाते हैं यहाँ से, फिर मंगरे में पहाड़ के सिर पे, सिर पे। अच्छा मतलब मेरे छोटा बच्चे को साथ में लेके जाना है। ये लड़का है कि लड़की है? लड़का है, लड़की है। अच्छा ये लड़का है, लड़की जैसे बाल इसके बढ़ाए हुए हैं ना। हेलो बोल, हाय क्या बोलना आता है आपको? तो ये अभी घर के अंदर में जा रही हूँ। ये छोटा सा घर है, इसमें सब लोग इसी इतने से रूम में रहते हैं सब लोग? आधे बाहर आधे अंदर। अच्छा तो इसको क्या बोलते हो? ये खाट। अच्छा तो ये खाट है, इस पे बिस्तर नहीं लगाते, ऐसे ही सो जाते हैं? लगाते हैं। अच्छा तो ये खाट है, यहाँ पे ये बॉक्सेस है। इन बक्सों में क्या रखते हो? ये इसमें गौ है, कोटियों में गौ है। अच्छा कपड़े और बिस्तर। अच्छा और ये बर्तन है, ये कपड़े हैं, ये कपड़े। तो ये इस तरह से इनका घर है और आंगन पूरा मिट्टी का है, पूरा कच्चा आंगन है ना ये। हाँ। तो इसको लीपना पड़ता होगा ना इसे? तो इसमें गोबर भी लगाते हैं या सिर्फ मिट्टी? गोबर लगाते हैं, बस गोबर और मिट्टी और पानी। महीने में कितनी बार करना पड़ता है? दो तीन बार कर लेते हैं। दो तीन बार? अच्छा हाँ। हाँ। कितना टाइम लगता है करने में? नहीं ये सुबह करते हो जाते हैं। अच्छा आपको भी आता है करना? हाँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं नाइन्थ में। कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, मतलब मैथ्स इंग्लिश ऐसे? हिंदी और इंग्लिश, बस दो ही है। मैथ्स नहीं है, साइंस भी नहीं है, जॉब साइंस है। मैथ्स नहीं है, मैथ्स पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ाते नहीं यहाँ पे। शपथ मैथ्स के बिना फिर आपको कैलकुलेशन कैसे आएगी? आपको कैलकुलेशन आती है? मतलब पहाड़े आते हैं तो वो मैथ्स ही तो है, जोड़ बाकी और ये सब सब आता है ना, तो वही तो मैथ्स है। एग्जाम मतलब कौन सा बोर्ड लगता है? आरबीएससी, आरबीएससी बोर्ड लगता है। तो अभी टेंथ बोर्ड आएगा आपका, एट्थ भी दिया था आपने। एट्थ में कितने परसेंटेज आए आपके? बढ़िया परसेंट, 82। हाँ। वाह तो फिर आप कहाँ बोल रहे हो कि पढ़ाई अच्छी नहीं, आप तो अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। तो आगे क्या करने का प्लान है? आपको तो रिजर्वेशन भी होगा थोड़ा? हाँ? रिजर्वेशन होता है ना गवर्नमेंट जॉब वगैरह में। हाँ। कमरा अच्छा नहीं है, नहीं मेरा रूम तो अच्छा है। इनसे पढ़ाई की बात कर रही हूँ कि पढ़ाई में क्या करने वाले हो आगे जाके? ये हाँ क्या करेगी, ये क्या करवाओगे, इसकी शादी कर दोगे? इनका शादी करवा नहीं, एक फिर तो नौकरी लगवा। नौकरी किसकी, क्या बनाओगे? मैडम। अच्छा टीचर। हाँ। तो उसके लिए तो बीएड करनी पड़ेगी। हाँ। बीएड कॉलेज है आस पास या बाहर जाओ? हवा से बनता है ये? अच्छा ये ऐसे हवा आ रही है। हाँ। और यहाँ से ज्यादा कम करवा रही है। अच्छा ज्यादा हो जाती है ऐसे करवा के कम हो, मतलब जब हवा तेज होगी तो आग बढ़ जाएगी। हाँ। अच्छा ये कंट्रोल करवा रही है। आग बढ़ रही है।
अच्छा वो भी बनाते होंगे लाख की चूड़ियाँ? हाँ हाँ वो बनाते हैं आप लोग? गिटार बना रहे इसके धार करवा रहे धार के लिए? हाँ। अच्छा धार तेज करने केची भी बनाते होंगे? हाँ, ना केची हाँ, हाँ, हाँ। बड़ी, बड़ी मशीन किसकी है? हाँ। इससे क्या बनता है? हाँ, इससे बनाते क्या है? ये तो ये कुल्हाड़ा बनाता, कोदाली बनाता, दातड़ा बनाता, ये ऐसी हंडासी बनाता। अच्छा ये संडासी बनाता ऐसे। हाँ। वो कुल्हाड़ी? हाँ ये कुल्हाड़ा नहीं, ये घन पीटवार वाला। अच्छा अच्छा इसको तो ऐसे मार मार के बनाते हैं। ये घर के सामने ही इन्होंने इस तरह से ना कपड़े वगैरह सुखा रखे बाहरी पेड़ों पे बिल्कुल ओपन में, और सामने इनके जानवर हैं। तो जो गाड़िया लोहार है वो अभी आप देखा जाए तो ना उनके पास में अपना घर है, ना उनके पास में किसी तरह की कोई भी फैसिलिटीज है जिसकी वजह से वो अपना मतलब लाइफ थोड़ा अच्छा इम्प्रूव कर पाए। बाकी सब लोगों को घर मिल गया, बट क्योंकि इनके पास में ये हमेशा से गाड़ियों में घूमते रहे हैं इसलिए इनको अभी घर भी खरीदना होता है तो अपने से खरीदना पड़ता है, और उसमें भी इनको कुछ पक्का रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं मिल पा रहा है, राशन भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मतलब इन लोगों की कंडीशन बाकी, जबकि ये भी राजपूतों के ही वंशज है, महाराणा प्रताप के टाइम पे इन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूट किया था, कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहा है, बट स्टिल इनकी कंडीशन अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी लोगों की हो गई है। जितना इम्प्रूव बाकी लोगों की लाइफ स्टाइल हुई है उतना यहाँ पर अभी नहीं दिख रही है, तो इनको अभी भी गवर्नमेंट के हेल्प की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कर रहे हो क्या यहाँ पे? अच्छा नहीं बर्तन धो रहे हैं हम लोग, कपड़े भी यहीं बाहर ही धोते हो? हाँ कपड़े भी बाहर ही धोते हो? नहीं नदी पे। नदी पे? हाँ। अच्छा तो यहाँ पे लोग अपने कल्चर को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं। अभी भी मुझे जो कल्चर यहाँ का पता चला दैट इज़ वेरी यूनिक। लाइक घर पे जो बड़े लोग होते हैं लाइक जो फादर इन लॉ होते हैं, ससुर जी जिसे बोलते हैं हिंदी में, सो इफ़ ही इज़ सिटिंग देयर, तो जो घर पे जो भी लेडीज़ होंगे या जो भी उनके नॉट डॉटर डॉटर इन लॉ बहू जो होती है वो फिर उनके सामने मतलब उससे बड़ी सीट पे नहीं जाएगी। सो दैट्स वाई यह जो चारपाई है आपको वहाँ मैंने थोड़ा सा दिखाया है वो उल्टी है, तो वो नीचे रहेगी और वो ऊपर रहेगा। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ ट्रेडिशन लोग अपने कल्चर को यहाँ पे सारी स्ट्रगल्स के बावजूद भी फॉलो कर रहे हैं, सो दैट इज़ कमांडेबल। ऐसा आज भी गांव में होता है, और ये देखो वहाँ पे ये इतना दूर मतलब इस साइड ये घर है उस साइड पे बर्तन कपड़े सब धुलते हैं, तो फैसिलिटीज़ की थोड़ी कमी है लेकिन खुशियों की कोई कमी नहीं है।